आज विश्व कविता दिवस है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। यह पूरे विश्व भर में प्रचलित है और आज मैं आप सभी के सामने विश्व कविता दिवस के ऊपर महाभारत के कुछ प्रसंगों को एकत्रित करके रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में बताए गए या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में जो लिखा गया है उसे मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो यह कुछ इस प्रकार है कि जब कौरव जो थे वह जब नहीं दे रहे थे, 5 गांव या आधा गांव नहीं बांट रहे थे पांडवों से, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ युद्ध की घोषणा कर देते हैं कौरवों के महल में और वहाँ से वापस आने लगते हैं। अब जब वह वापस आ रहे होते हैं तब उनको लगता है कि दुर्योधन यह सब जो कुछ भी कर रहा है वह कर्ण के बल पर कर रहा है। अगर कर्ण को हम दुर्योधन के पक्ष से अलग कर लें तब फिर तो दुर्योधन कुछ युद्ध के लिए अतुलित या फिर युद्ध के लिए उछलेगा ही नहीं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को रास्ते में कर्ण मिल जाता है और वह कर्ण को रथ पर बैठा के उससे बातें करने लगते हैं। और यह बातें कुछ इस प्रकार थी कि कुंती तुम्हारी माता है, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम अपने भाइयों से लड़ रहे हो। तो इसको जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है वह कुछ इस प्रकार है। भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली शीतल हो, हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय हो, विवश हमें धन धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं विश्वंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे वसरण केवल सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो काम क्या, वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार, निशन विशन बिल्लाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यह तू माने तो शांति नहीं चल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है, पा तुझे धन है दुर्योधन तू एकमात्र उसका, जीवन तेरे बल की है हाथ उसे तुझे जय का विश्वास, उसे तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्यों लड़ से, क्या अघटनीय घटना कराल, तो प्रथा कुक्षी का प्रथम लाल बंसूत अनादर चाहता है, कौरव के दल में रहता है, चाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने होते, पर मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा, दुश्मन के घर निजबंधु मानता है, पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मानता मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है, जहां 5 भ्राता तेरे बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद बनाएंगे, कुंती का तू ही तना जिष्ट, बल बुद्धिशील में 5 श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक, आरती समुद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवल डुलाएगा, पहरे पर पार्थ परवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे, कुलराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तजरण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। अब इस पर जो भगवान श्री कृष्ण कर्ण से बात करते हैं तो कर्ण इनके बातों का कैसे जवाब देता है, या ऐसे जवाब देता है कि कुंती कौन मेरी माता है जिसने मुझे बहा दिया था धाराओं में, पैदा होते ही पूरा दुनिया पूरी पूरा विश्व मुझे आज सूत पुत्र कहता है, और आज जब जरूरत पड़ी है मेरी वंश को मेरे, तो मुझे आप अपने पक्ष में कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ अकेले में। तो यह कुछ रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया है। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बढ़िया माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ, ग्लानि व्यथा जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उनमन यह सोचा करता हूँ कैसी होगी वह माँ कराल, नितंत से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती अथवा जीवित दफनाती है,
सेवती मास दस्तक जिसको पालती उधर में रख, जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुद्र पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारनी। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए सच है कि झूठ मन में गुनिये धूलो मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया निरित्ता दे महिमावान किया। अपना विकास और रुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन आ गया, अचानक दुर्योधन निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है बढ़कर शोधर भ्राता से है, राजा रंक से बना करके यशमान मुकुट पहना करके बाहों मुझे उठा करके सामने जगत के ला करके कर तब क्या क्या ना किया उसने मुझको न जन्म दिया उसने। हरिणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव दुर्योधन साथ नहीं छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा। अब आजकल की दोस्ती में लोग दोस्ती कब निभाते हैं, और ज्यादातर दोस्त, ज्यादातर सभी नहीं, ज्यादातर दोस्त ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लोभ माया लालच के लिए दोस्त बनते हैं, वह असल में दोस्त नहीं होते। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी दोस्ती कर्ण और दुर्योधन की तरह होती है। कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं क्योंकि कर्ण जानता था कि उसके विपक्ष में स्वयं भगवान लड़ रहे हैं, उसकी विजय नहीं होने वाली है, वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ रहा है, उसे अपने भाइयों को इस युद्ध में मारना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी भाई अर्जुन को मारना पड़ेगा। और वह यह भी जानता है कि वह अधर्म के पक्ष से है, धर्म के पक्ष से भी नहीं है, और वह कभी अधर्म नहीं किया था और आज वह अधर्म कर रहा है, फिर भी वह नहीं हार मान रहा है। वह कहता है कि ठीक है दुर्योधन मेरा दोस्त है, मित्रता ऐसी है दोनों के बीच कि स्वयं अपने भाई भाई को मारने को तैयार है। तो इसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुछ इस प्रकार अपने शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब उसे तोल सकता है, धन धरती की तो है क्या बिसात आ जाए, अगर बैकुंठ हाथ उसको भी नौछावर कर दो कुरुपत के चरणों में धर दो, सिर्फ स्कंद पर चलता हूं उस दिन के लिए मैं चलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर ले लूं बढ़कर अपने ऊपर कटवा दो उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको नहीं कुछ पाना है केवल ऋण मात्र चुकाना है, धनराश जोगना लक्ष्य नहीं साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय गणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को तृष्णा छू भी न सके मन को, वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरता, निर्मल कर तन से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश एम जिनका विधर भुजंग भोजन जिनका वे ही फणिबद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, होकर समृद्ध सुख के अधीन मानव होता निष्ठपा क्षीण सत्ता क्रीट मणि में आसन, करते मनुष्य का तेज हरण नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है, मैं गरुड़ कृष्ण पक्षीराज से पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपदा घोर सकता न उसे किसी भी छोड़ रंग, खेत पाटना है मुझको हिपाश काटना है मुझको, अब देर नहीं की जय केशव अब शेर नहीं की जय केशव, धनु की डोरी तन जाने दे संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तानवी तेज लहराएगा संसार ज्योत कुछ पाएगा, हाँ एक विनय है मधुसूदन मेरी या जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे वो इसे छिपा रखिए वे इसे जानिए जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी वे स्वयं लेंगे सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे दुख से न छूट वे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्र कार, रण में ही अब दर्शन होंगे शर से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नम्मे विहरे भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया हर के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर शत पार धन तू साना कोई मित्र नन, तू कुरुपत का ही नहीं प्राण नरता का भी भूषण महान, नरता का भी भूषण महान,